हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। मैं हूं धर्मवीर और आप देख रहे हो ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। टॉपिक चल रहा है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में दो हो चुकी हैं। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आप देख चुके हो, सर्च कर सकते हो। और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कराई थी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, उस पर बेस कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी कराए थे। और आज जो लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 10, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कॉलिगेटिव नंबर प्रॉपर्टी तीसरी। एक और बचेगी चौथी, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर चैप्टर खत्म ही हो जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर के बाद में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, और अपने टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, घटना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। तो सिंपल सी बात है कि जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है उसका, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डाउन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डाउन हो जाता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होने का मतलब यह है कि कोई भी लिक्विड जब तुम उसे फ्रीज करते हो तो वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में फ्रीज होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स फ्रीज होते हैं उसके। ठीक है, और जब डेफिनेट स्ट्रक्चर में है तो जैसे आप, अगर हम ये बोले कि भाई वॉल्यूम घटता है फ्रीज होने पर, तो ये सबके लिए बात सही नहीं है। वाटर को जब फ्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, बाकी लिक्विड का वॉल्यूम घटता है, तो ये बात सही नहीं है। बस आप ये बोलिए कि जो फ्रीज करने का मतलब है कि स्ट्रक्चर, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में पार्टिकल अरेंज होते हैं और अरेंज होकर के फ्रीज होते हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास में कोई लिक्विड है, ये इसका रेशियो है, मतलब इससे स्ट्रक्चर है, पार्टिकल इतनी डिस्टेंस पर हैं, जिस फॉर्म में भी है, जैसे भी हैं, ये पार्टिकल है। जैसे ही तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, इसमें बी मिलाया, तो कोई भी यहाँ आ गया, कोई भी इसके ऊपर आ गया, कोई भी इसके नीचे आ गया, कोई यहाँ आ गया, तो इसका मतलब बी ने इस ए की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया, एक ही स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब होने पर अब इन्हें अरेंज होने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ज़्यादा समय लगने का मतलब जो पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कैसा हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है जब तुम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बनेगी, तो सिंपली आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the vapor pressure of solid, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर जब सॉलिड की वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब सोच रहे होगे क्या सॉलिड की भी वेपर प्रेशर होती है, हाँ होती है, सब्लिमेशन नहीं होते सॉलिड, ठीक है, सब्लिमाइज जो होते हैं, तो सॉलिड की भी वेपर प्रेशर होती है। तो जब किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर सॉलिड की वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट ही समझना है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये मैंने फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया, दिख रहा है यहाँ पर, चलो थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ी डेफिनेशन लिख देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस आर इन equilibrium, that is करके लिख सकते हो, the solid
एंड द लिक्विड हैव सेम वेपर प्रेशर। तो जब किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर सॉलिड की वेपर प्रेशर के बराबर हो या दोनों इक्विलिब्रियम में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। या आप इस टाइप की डेफिनेशन ना लिख करके सीधे सीधे बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्या बोलेंगे हम उसको, फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैं आपको समझाता हूं ग्राफिकली, ठीक है। तो मैंने एक ये वाई एक्सिस, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और ये हो गया वेपर प्रेशर, ठीक है। पहले आप ये डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, और डेफिनेशन लिख के मैं इसको रब करके फिर से डायग्राम बनाऊंगा वरना ये छोटा पड़ जाएगा बोर्ड। लिख ली सभी ने डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको रब करता हूं, तो देखो जरा, टेम्परेचर वेपर प्रेशर, ठीक है। अब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए आपने ग्राफ लिया, तो तुम्हारे पास में कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ये रहा, यहां से ले लो सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट प्योर है, प्योर, ठीक है। और ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है, ये लिक्विड सॉल्वेंट की और ये सॉल्यूशन की। तो जब किसी सॉल्वेंट, जब किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर सॉलिड की वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो यहां पर बराबर हुई, यहां पर बराबर हुई, यहां, तो ये हुआ। अब इसका टेम्परेचर देखो, तो ये हो गया तुम्हारा फ्रोजन सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉलिड लिख देता हूं, फ्रोजन सॉलिड, ठीक है। अब फ्रोजन सॉलिड जो कि सॉल्वेंट है, फ्रोजन सॉल्वेंट, सॉरी फ्रोजन सॉलिड ही, सॉल्वेंट यहां लिखा है तो सॉल्वेंट ही चल रहा है। तो ये सॉल्वेंट की क्या हुई वेपर प्रेशर, यहां ये सॉलिड की वेपर प्रेशर, ये लिक्विड की वेपर प्रेशर, यहां पर दोनों बराबर होगी। तो अब ये सॉल्वेंट है तो मैं इसे बोलूंगा टी नॉट एफ, क्या बोलूंगा टी नॉट एफ। अब इस सॉल्यूशन की देखो जरा वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है ये सॉलिड में कब चेंज हो रहा है, यहां, यहां पर चेंज हो रहा है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा टी एफ। तो ये जो है ये चेंज हो गया डेल्टा टी एफ, ये चेंज है, इतना डिफरेंस आया, इतना चेंज आया डेल्टा टी एफ। और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, अब ज्यादा में से कम को माइनस कर दोगे, तो डेल्टा टी एफ कैसे लिखोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल इसमें से इसको माइनस कर दो, टी नॉट एफ माइनस टी एफ T naught F minus TF, क्लियर। तो ये तो डेल्टा TF यहां से निकल गया। अब डेल्टा TF किसके बराबर है, तो डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट कब घटा, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन कब हुआ, जब तुमने सॉल्यूट मिलाया, जब सॉल्यूशन बनाया। अगर तुम सॉल्यूट मिलाते ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यहां मैं मोलैलिटी लिख देता हूं, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कॉन्स्टेंट आएगा के एफ और इंटू में मोलैलिटी, के एफ एक कॉन्स्टेंट है जिसे आप बोलोगे मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन
कांस्टेंट, बिल्कुल सिमिलर एलिवेशन जैसा है, बिल्कुल। यहां डेल्टा टीएफ की जगह वहां डेल्टा टीबी हो गया था, या केएफ की जगह केबी हो गया था, मोलैलिटी सेम था, बिल्कुल न्यूमेरिकल करने का तरीका हर चीज सिमिलर है, बिल्कुल। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप इसको बोलोगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आप ये बोल सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब कभी कभी पेपर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो फिर हम जरा डेफिनेशन निकाल लेते हैं, या पहले यूनिट निकाल लें। यूनिट में पिछली क्लास में बता चुका हूं केबी और केएफ की सेम यूनिट है। तो केएफ देखो जरा, केएफ यहां से चल रहे हैं हम, केएफ इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन में स्मॉल एम। तो डेल्टा ये यूनिट चल रहा है यहां से, यूनिट। तो केएफ इक्वल डेल्टा टीएफ क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस बोल रहा है, केल्विन भी ले सकते हो, दोनों सिमिलर होते हैं, तो डिग्री सेल्सियस। अब ये मोलल है, मोलल ऊपर पहुंच जाएगा तो स्मॉल एम माइनस वन, या केल्विन में ले रहे हो तो ये केल्विन, और मोलैलिटी को किस में ले रहे हो, मोल पर केजी, तो केजी ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा के केजी पर मोल। के मतलब केल्विन, केजी यानी किलोग्राम, और मोल माइनस वन, ये आ गया जी। तो ये यूनिट आ गई केएफ की यहां पर, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, यहां से चलते हैं। तो डेल्टा टीएफ इक्वल पहले लिख दूं तुम्हें आसानी होगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ और इनटू में मोलैलिटी। अगर मैं मोलैलिटी को वन मान लूं, वन मोलल, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल में केएफ। इसका मतलब केएफ किसके बराबर है, डेल्टा टीएफ के बराबर है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टेकन एज वन। ये रहा वन, जो हमने वन लिया है, ठीक है। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन में यहां पर आप, तो डेफिनेशन में लिख दोगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मैंने एफ पी लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन टेकन एज यूनिटी, यानी इसकी आप मोलैलिटी को कितना लोगे, वन। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास में है फाइनली, डेल्टा टी एफ के एफ स्मॉल एम, स्मॉल एम होता है डब्ल्यू टू एम टू डब्ल्यू वन ग्राम इंटू थाउजेंड। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हैं, तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू टू एम टू डब्ल्यू वन इंटू थाउजेंड। ये यूनिट, ये फॉर्मूला आ गया, इसी से चलेंगे न्यूमेरिकल। सेम ऐसा ही था एलिवेशन वाला, बस मैंने क्या लगा दिया था यहां, बी, डेल्टा टी बी के बी। तो जल्दी से करो नोट डाउन। सबसे पहले डेफिनेशन थी, फिर डायग्राम था, डायग्राम के बाद फिर हम यहां से चले। फिर से बता देता हूं, सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है सॉल्यूशन से, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर दिया, डेल्टा टीएफ आ गया। फॉर्मूला मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा टीएफ इक्वल मोलैलिटी, और केएफ कांस्टेंट है, बस यहाँ यूनिट निकाल दी और वहाँ डेफिनेशन लिख दी केएफ की, ठीक है। जल्दी से लिख लो, लिख लिया, अब मिटा देते हैं। अब एक दो क्वेश्चन कर लो बस, ठीक ठीक से, ठीक ही होते हैं सब क्वेश्चन, बस तुम्हें आने चाहिए, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता। क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों में, क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग
34.2 ग्राम ऑफ केन सुगर यानी C12H22O11 केन सुगर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर फ्रोज एट 0.372 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ H2। सिंपल सा क्वेश्चन है, KF निकलवा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का ये तरीका है कि जो वैल्यू दी हुई होती हैं उन्हें हम पुट कर लेते। क्या क्या वैल्यू दी हुई है भाई? इतने ग्राम सॉल्यूट यानी W2 इक्वल 34.2 ग्राम। M2 इज द मोलर मास। केन सुगर यानी C12H22O11 342 ग्राम पर मोल। यह 500 ml। तो जो वॉल्यूम दिया है वो H2O का दिया है 500 ml। अब तुम्हें पता है जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल 1 ग्राम पर ml होती है। तो इसका मतलब जब वॉल्यूम 500 ml है तो मास भी 500 ml है। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास निकाल लीजिए तो मास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल डेंसिटी कितनी? 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम 500 ml। ml से ml कैंसिल तो मास आ गया 500 ग्राम। ये सॉल्वेंट का वेट हो गया जी तुम्हारा। किसका? सॉल्वेंट का, यानी W1 हो गया। क्या हो गया? W1। फाइंड क्या करना है आपको, जल्दी बोलो। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट KF फाइंड करना, KF फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे जी? सब कुछ तो हो गया। डेल्टा TF F स्मॉल m, पहले चाहो तो आप स्मॉल m फाइंड कर लीजिए। स्मॉल m इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन में M2 W1 इंटू 1000, ये ग्राम है। स्मॉल m W2, दिस इज W2, तो कितना है 34.2 M2 स्मॉल M2 मोलर मास 342 इंटू W1 ये रहा 500 ग्राम और इंटू कितना 1000, 500 से दो बार 342 से ये 0.1, तो स्मॉल m 0.2 मोलल। ये मोललिटी आ गई। क्या आ गई है? मोललिटी। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोललिटी। फाइंड करना है KF, तो KF हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन में स्मॉल m, थोड़ा नीचे लिखता हूं, KF इक्वल डेल्टा TF अभी नहीं पता, मोलैलिटी 0.2 ये रहा। ठीक, अब डेल्टा TF क्या है भाई? तो आपको याद होगा अभी अभी मैंने बताया था कि डेल्टा TF होता है T0F - TF। डेल्टा TF इक्वल क्या होता है? T0F - TF। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। माइनस TF कितना दे रखा है तुम्हें? TF -0.73, तो -0.372 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 0.372 डिग्री सेल्सियस। इस वैल्यू को यहां रख दीजिए 0.372, तो KF इक्वल इतना, इसका डिवाइड इसमें कर दीजिए, सिंपल हो गया। ठीक है, KF की यूनिट मैंने अभी बताई थी आपको, डिग्री सेल्सियस स्मॉल m -1, इसका डिवाइड इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ गया। क्या लिखूं यहां पर? डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। ठीक है, 1.8786 के आसपास आएगा। जल्दी से नोट डाउन करो। मिटा दूं बेटा, अब तो लिख लिया होगा, अब मिटा देता हूं।
स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करो, है ना। ऐसे इंतजार करते रहेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम ऑफ एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन जानते हो, C6H6। चलो एक बार लिख देता हूं, C6H6 H है ये, बाई 0.40 केल्विन द केएफ फॉर C6H6 इज 5.12 kg पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्वेश्चन है, करके देखो जरा, स्क्रीन को रोक दो और करके देखो। 1 ग्राम सॉल्यूट, इसका मतलब W2 इक्वल 1 ग्राम। नाम नहीं पता मुझे, बस बोल रहा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, पता ही नहीं है, तो M2 इक्वल नहीं पता। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 50 ग्राम। इतना पॉइंट घट जाता है तो इसका मतलब डेल्टा TF डायरेक्ट दे रखा है, 0.40 केल्विन ये दे दिया, KF तुम्हें दे रखा है 5.12, डायरेक्ट हो गया, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। डेल्टा TF KF W2 M2 W1 1000, इसको उठा करके यहां ले जाओ तो ये आ जाएगा M2 KF W2, ये डेल्टा TF आ गया, डेल्टा TF W1 1000। M2 KF कितना दे रखा है, KF ये रहा 5.12, W2 1 ग्राम 1000, डेल्टा TF 0.40, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 50, M2 इक्वल इतना ग्राम पर मोल। फाइंड करना यानी कैलकुलेट करना कितना तुम्हारा 255 या 256 के आसपास आंसर आना चाहिए, 256 255 के आसपास कैलकुलेट कर लेना। आसान सी कैलकुलेशन है, 0 से 0 कैंसिल, 5 का डिवाइड कर देना 20 बार, 20 को फिर इससे काट देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, लिख लो। मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक, क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वॉटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिख दिया है मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.128 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर यूरिया डिजोल्व है वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है इतना। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द
सेम सॉल्यूशन मोलल कॉन्स्टेंट फॉर H2O फॉर H2OR। क्या क्या दिया हुआ जी तुम्हें? तुम्हें तो KF दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस, स्मॉल m भी माइनस वन ले लिए चलो, और एक दिया है तुम्हें KB इक्वल दिया है 0.512 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। छोड़ो ये है, ये दिया है KF दिया है, इसका मतलब KF का यूज करना है और KB का भी यूज करना है, और KB क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये करना है। चलिए मैं पहले बात करता हूं, हमें निकालना है अ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट TF निकालना। तो देखो जरा, डेल्टा TF इक्वल टी नॉट एफ माइनस TF, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा TF। तुम सोच रहे हो उधर सॉल्व क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इधर कुछ चीजें आएंगी अभी। तो डेल्टा TF इक्वल क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस TF। मुझे TF फाइंड करना है, तो TF इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? टी नॉट एफ माइनस डेल्टा TF, ये आ गया। TF इक्वल क्या हो जाएगा? टी नॉट एफ माइनस TF, ये फाइंड करना है आपको। तो TF वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जीरो डिग्री सेल्सियस माइनस, ये है ही नहीं तुम्हारे पास में। अगर ये होता तुम्हारे पास में तो TF इक्वल इतना डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया, इतना डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर कैलकुलेट। इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालना है आपको? सबसे पहले क्या निकालना है? ये निकालना है, अगर ये चीज होती यहां पर, ये वाली चीज होती, डेल्टा TF निकालना। अब डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF इक्वल क्या होता है? KF इंटू में स्मॉल m, समझ पा रहे हो कुछ? डेल्टा TF इक्वल क्या होता है? KF इंटू स्मॉल m, और डेल्टा TF इक्वल KF दिया है सीधे सीधे 1.86 और इंटू मोलेलिटी नहीं है। मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है W2, अगर मैं मोलेलिटी की बात करूं तो मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन में M2 इंटू में W1 और इंटू में 1000। तो W2 वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है? नहीं दिया। मोलर मास सॉल्यूट, क्या करूंगा फिर मोलर मास का जब वेट यही नहीं दिया? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया, ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है, तो ये काम तो नहीं कर रहा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। अब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है ये बताओ? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल KB इंटू स्मॉल m, ठीक है? तो स्मॉल m इक्वल हो जाएगा डेल्टा TB अपॉन में KB, ये रहा, ठीक। अब डेल्टा TB तो निकाल लोगे, डेल्टा TB तो निकाल लोगे, बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल्टा TB इक्वल क्या होता? TB माइनस T0B, तो TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100.128 माइनस T0B, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें से ये गया तो कितना आ गया? 0.128 डिग्री सेल्सियस। तो स्मॉल m आ गया तुम्हारे पास में 0.128 अपॉन में KB, ये रहा KB 0.512। तो स्मॉल m कितना बच्चों कर दोगे? 0.25 मोलल, ये रहा। तो मोलेलिटी कितना है? 0.25। इसको उठा करके यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो, तो रख दिया डेल्टा TF 1.86 रख रखा है, 0.25। तो डेल्टा TF इक्वल कर दो जी सॉल्व, कितना आ जाएगा? 0.465 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF आ गया, समझ में आ गया? डेल्टा TF को उठा के यहां रख दी, रख दो 0.465, तो ये आ गया माइनस 0.465 डिग्री सेल्सियस, इतना उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो जाएगा। यानी वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना हो जाएगा? ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे हम, क्वेश्चन
कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है इसमें, फॉर्मूला होता है C6H8O6 टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मूला जानते हो CH3COH, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। केएफ तुम्हें दिया है 3.9 केकेजी पर मोल, ये दिया है केएफ। बस बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन लिख लो, कोशिश करो करने की। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी W2 नहीं पता, ठीक, M2 ये वाला C6H8O6 मोलर मास फाइंड कर ही लोगे, C होता है 12, 6 1 इंटू 8 16 इंटू 6, सबको कैलकुलेट करिए 176 ग्राम पर मोल, ये हुआ मोलर मास, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 कितना, 75 ग्राम, और KF भी दिया है, ये रहा 3.9 KKG पर मोल, और डेल्टा TF भी दिया है तुम्हें, डेल्टा TF 1.5 डिग्री सेल्सियस, बस क्या नहीं है, W2 नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF KF इंटू स्मॉल m, और स्मॉल m को आप x मतलब फॉर्मूला रख दो इसका यहाँ पर, डेल्टा TF KF, KF है ये W2 m2 W1 1000, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ कितना है, के एफ है 3.9, W2 नहीं पता, डेल्टा टी एफ तो पता है ना, डेल्टा टी एफ कितना 1.5 और W2 ही तो फाइंड करना, इंटू 1000 अपॉन M2 176 इंटू W1 75, W2 निकालना है तो W2 इक्वल इतना ग्राम, कैलकुलेट करने का काम तुम्हारा, इसका इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अपॉन में ये इंटू ये, W2 इक्वल इतना, लगभग कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा लगभग, ठीक है, तो 5 के आसपास आ जाएगा लगभग, 4.9 5.0 समथिंग कैलकुलेट करना, तो क्वेश्चन लिख लो जरा, ये लिख लिया, अब मैं मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन और कर लो, काफी क्वेश्चन हो गए, अपनी बुक के क्वेश्चन जरूर करते रहे, ये क्वेश्चन भी करते रहे। क्वेश्चन, अ 5% सॉल्यूशन बाई मास ऑफ केन सुगर इन वॉटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, 5% सॉल्यूशन है सुगर का वॉटर में, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, एफ भी लिख दिया मैं फ्रीजिंग पॉइंट को, ऑफ अ 5% बाई मास ग्लूकोज इन वॉटर
इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। ये है क्वेश्चन, समझो जरा। 5% सॉल्यूशन बाय मास, तुम्हारे पास में कोई सॉल्यूशन है सुगर का, 5% सुगर, चीनी ले ली 5 ग्राम, बाय मास कह रहा है 5 ग्राम चीनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है, और 5% सॉल्यूशन है सुगर का, तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271। अब तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, तो बताओ ग्लूकोज का अगर 5% सॉल्यूशन बनाए, ग्लूकोज का 5% सॉल्यूशन बनाए, 5% मास का सॉल्यूशन बनाए, तो बताओ उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा अगर प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बात आ गई समझ में? ग्लूकोज का क्या निकलवा रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकलवा रहा है, तो फॉर्मूला तो तुम जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल किसमें से किसको माइनस करते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये है, ये फॉर्मूला है। अब डेल्टा टी एफ तुम्हें निकालना है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस यानी ये इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ये नहीं है, और ये किसका चाहिए तुम्हें, ग्लूकोज का चाहिए, किसका, ग्लूकोज का। तो कैसे निकलेगा भाई ये टेम्परेचर, जरा मैंने ये यहां थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये निकालना है, तो टी एफ इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास में टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। अब ठीक है, तो टी एफ इक्वल टी ए टी नॉट एफ कितना 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टी एफ नहीं पता, अब डेल्टा टी एफ कैसे निकालोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम इज द मोलेलिटी, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्लू टू अपॉन एम टू इंटू डब्लू वन जो कि ग्राम है और इंटू 1000, समझना जरा ध्यान से। तो डेल्टा टी एफ के एफ तो पता ही नहीं है भाई, हमें दिया ही नहीं है के एफ, तो इंटू डब्लू टू, डब्लू टू 5 ग्राम, एक बार लिख दूं जरा, फॉर ग्लूकोज, इसका मतलब C6, ये C6 लिखा है मैंने, C6 H12O6 प्लस H2O एरो सॉल्यूशन, ग्लूकोज 5 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा 95 ग्राम, और ये कितना 100 ग्राम, ठीक है, तो W2 कितना 5 ग्राम, 5, ग्लूकोज का मोलर मास C6 H12O6 180 होता है, इंटू W1, W1 इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया 95, इंटू कितना 1000। के एफ नहीं पता, अगर के एफ तुम्हें पता लग जाए, ये ग्लूकोज के लिए चल रहा है फॉर ग्लूकोज, अगर के एफ पता लग जाए तो डेल्टा टी एफ यहां फाइंड हो गया, ये हो गया यहां फाइंड, अगर के एफ पता लग जाए, तो के एफ कहां से निकालेंगे हम, सुगर सॉल्यूशन से, तो फॉर सुगर सॉल्यूशन, तो C12 H22O11 प्लस H2O एरो सॉल्यूशन, ये भी 5% है, इसका मतलब 5 ग्राम 95 ग्राम 100 ग्राम, ये W2 हो गया, M2 मोलर मास निकाल लोगे 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। अब मोलेलिटी निकालिए, स्मॉल m इक्वल निकाल लोगे, तो डेल्टा टी एफ ही निकाल लूँ या नहीं, मोलेलिटी निकालो पहले, तो मोलेलिटी इक्वल कितना हो जाएगा, W2 M2 W1 1000, W2 कितना 5, M2 342, W1 95 इंटू 1000, कैलकुलेट करने का काम तुम्हारा है, 0.153 मोलल, ये मोलेलिटी आ गई। फॉर्मूला तो जानते हो अच्छे तरीके से, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू में स्मॉल एम, अब के एफ निकाल लो,
तो के एफ इक्वल हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन में स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ कितना है बताओ, कितना डेल्टा टी एफ दे रखा है कुछ क्वेश्चन में? यस दे रखा है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल 273.15, यानी फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ प्योर, प्योर का कितना है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273.15 माइनस सॉल्यूशन का कितना हुआ, सॉल्यूशन सुगर सॉल्यूशन का 271 केल्विन। तो माइनस कर दीजिए कितना आ गया 0.215 केल्विन, सॉरी 2.73 में 71 गया 2.15, तो ये आ गया 2.15 और मोलैलिटी है तुम्हारे पास में 0.153। इसको कैलकुलेट कर दो, कर दोगे 14 के आसपास आ गया। के एफ है ये, के जी पर मोल, के जी पर मोल ये है के एफ। अब इस के एफ को उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दो, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो 14.05। अब कैलकुलेट कर लो तो यहाँ डेल्टा टी एफ आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया तो क्या निकल के आ जाएगा डेल्टा टी एफ, और यहाँ डेल्टा टी एफ जो भी आएगा तुम्हारा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो 4.12 के आसपास आया, 4.12 केल्विन ही चल रहा है, चलो ये रहा 4.12। अब मैं इसको फिर 4.12 तो ये आ जाएगा माइनस में 4.12, क्योंकि डिफरेंस सिमिलर होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, तो ये आ गया तुम्हारा डिग्री सेल्सियस। केल्विन में तुम करना चाहो तो ये 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 273.15, ये रहा 273.15। तो 273.15 माइनस 4.1912 तो माइनस कर दीजिए 269 आ जाएगा, 269 पॉइंट समथिंग। तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, 5% सॉल्यूशन शुगर का है और 5% सॉल्यूशन किसका है ग्लूकोज का। तो तुम्हें ग्लूकोज का क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जल्दी से लिख लो पहले तो अब तो ले लोगे स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हूँ। अब सुनो, अब जो टॉपिक है वो चल रहा था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी हुई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी हुई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस पर 4-5 न्यूमेरिकल भी करा दिए, तो न्यूमेरिकल जरूर करते रहो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 चैप्टर में से न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, 100% आएंगे, तो न्यूमेरिकल पर फोकस करना चाहिए। मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और घर पर रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। अगली क्लास होगी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और उसी में वेंट ऑफ फैक्टर बताने की कोशिश की जाएगी, यानी चैप्टर को ख़त्म कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में हम मिलेंगे। ओके बाय।